बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ डॉक्टर फरजाद फ्रॉम करियर कोचिंग सेंटर। अगर आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर दें। चले ठीक है बेटा, अब देखें इसको हम कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन का टॉपिक स्टार्ट करा था, और आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स में बता चुका हूँ। किडनी का स्ट्रक्चर हम लोग ने पढ़ लिया था, यूरिटर हमने पढ़ा, और फिर उसके बाद हम लोग जो है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर आए थे। ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके थे। देन फिर हमने नेफ्रॉन स्टार्ट करा था, आपको बताया कि नेफ्रॉन होता क्या है, और फिर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स आपको बताया था कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, किस तरह से हम उसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। अब जो हम डील कर रहे हैं वो क्या है, वो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन है। तो हेडिंग डाल दें आप लोग टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की। अब देखिए बेटा, एग्ज़ाम के अंदर होता यह है कि एग्ज़ाम के अंदर आपसे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन होता है कि भाई डिफाइन नेफ्रॉन एंड इट्स स्ट्रक्चर, क्या आप नेफ्रॉन जो है डिफाइन कर दें और उसका स्ट्रक्चर बता दें, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो सकता है। और दूसरा जो है वो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डिफाइन नेफ्रॉन एंड इट्स टाइप्स, क्या आप नेफ्रॉन को डिफाइन कर दो और उसकी टाइप्स भी बता दो। तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चन है जो नेफ्रॉन के टॉपिक से निकल रहे होते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। अब देखिए, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको स्ट्रक्चर तो बता दिया था, आज जो है हम नेफ्रॉन के टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लें टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की। चलिए, अब देखें यहाँ पे जो है दो तरह के नेफ्रॉन है। अगर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर मेंशन करके दिखाऊं तो मेरे पास जो है दो तरह के नेफ्रॉन्स हैं। अब देखें, एक नेफ्रॉन तो ये है, ठीक है, ये जो मार्क हो रहा है ना, ये मैंने जो मार्क कर रहा हूँ, एक नेफ्रॉन ये है, और दूसरा नेफ्रॉन आपके सामने ये है, ठीक है। तो दिस वन इज नंबर वन एंड दिस वन इज नंबर टू। अब जरा मुझे ये देख के बताएं कि इन दोनों नेफ्रॉन के अंदर डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन दीज नेफ्रॉन, इन दो नेफ्रॉन के दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या है, देखें और फिर मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें। चलिए, अब अगर हम जो है वो यहाँ पे डिफरेंस देखें तो लूप ऑफ हैनले का डिफरेंस है, ठीक है। एक का जो लूप ऑफ हैनले है वो काफी डीप है, और जो दूसरा वाला है उसका जो लूप ऑफ हैनले है वो काफ़ी छोटा है। तो एक का लूप ऑफ हैनले छोटा है और दूसरे का जो लूप ऑफ हैनले है वो क्या है, वो लंबा है। तो अगर हम इसको प्रॉपर वे में बताना चाहें, मैंने आपको ये कहा था कि किडनी को इंटरनली हम दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है और दूसरा क्या है, मेडुला है। एक कॉर्टेक्स है और दूसरा क्या है, मेडुला है। तो जो ऑरेंज वाला रीजन है ऊपर की तरफ, ये कॉर्टेक्स का है, और जो नीचे जो आपका सम सॉर्ट ऑफ पीच कलर है वो क्या है, मेडुला है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे होंगे जिनके लूप ऑफ हैनले विद इन द कॉर्टेक्स होंगे, और कुछ नेफ्रॉन ऐसे होंगे जिनके लूप ऑफ हैनले डीपली मेडुला तक जा रहे होंगे, ठीक है। तो ये दो टाइप के नेफ्रॉन हो गए। पहला नेफ्रॉन तो वो नेफ्रॉन है जिसका लूप ऑफ हैनले विद इन द कॉर्टेक्स लाई करता है, और दूसरा जो नेफ्रॉन है वो नेफ्रॉन है जिसका लूप ऑफ हैनले मेडुला तक जा रहा है। तो ये दो नेफ्रॉन की टाइप्स हो गई। अब वो नेफ्रॉन की टाइप जिसका लूप ऑफ हैनले सिर्फ कहाँ पे रहता है, जिसका लूप ऑफ हैनले विद इन द कॉर्टेक्स है, दिस टाइप ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। तो उसको आप क्या नाम देते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और वो नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हैनले डीप मेडुला तक जा रहा होता है, दिस टाइप ऑफ नेफ्रॉन आर कॉल्ड एज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। तो इन नेफ्रॉन को आप क्या नाम देते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का नाम देते हैं। क्लियर हो गई बात। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन,
नंबर वन इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड नंबर टू इज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या थे? कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो नेफ्रॉन है जिनके लूप ऑफ हेनले विद इन द कॉर्टेक्स रहते हैं, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन वो नेफ्रॉन है जिनके लूप ऑफ हेनले डीप मेडुला में जा रहे होते हैं। क्लियर है बेटा? अगर इसमें कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? अगर क्लियर है तो मुझे रिस्पॉन्स दे दे ताकि फिर मैं आपको आगे लिखवा सकूं। क्लियर है सबको? चले बेटा, अब इसको लिखना शुरू करें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। नंबर वन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, नंबर टू जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, नंबर वन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, नंबर टू जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। चले अब आप लोग हेडिंग डाल लें कॉर्टिकल नेफ्रॉन की, जल्दी आप लोग हेडिंग डाल लें कॉर्टिकल नेफ्रॉन। चले लिखे इसके अंदर कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दी नेफ्रॉन्स, दी नेफ्रॉन्स हूज लूप ऑफ हेनले, डब्ल्यू एच ओ एस ई हूज, दी नेफ्रॉन्स हूज लूप ऑफ हेनले, दी नेफ्रॉन्स हूज लूप ऑफ हेनले लाई विद इन द कॉर्टिकल रीजन, दी नेफ्रॉन्स हूज लूप ऑफ हेनले लाई विद इन द कॉर्टिकल रीजन, लाई विद इन द कॉर्टिकल रीजन। आर कॉल्ड एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन, आर कॉल्ड एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। चले अब जो है आप लोग हेडिंग डालें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, हेडिंग डालें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। रिपीट कर दूं, मैंने कहा ऑल दोज नेफ्रॉन्स हूज लूप ऑफ हेनले, ऑल दोज नेफ्रॉन्स हूज लूप ऑफ हेनले लाई विद इन द कॉर्टिकल रीजन, लाई विद इन द कॉर्टिकल रीजन। Lie within the cortical region. Are called as cortical nephron. Are called as cortical nephron. Beta, definition में loop of Henle के बारे में नहीं बताएंगे। देखो बेटा, आपसे जो सवाल किया गया है वो सवाल ये है कि डिफाइन नेफ्रॉन एंड इट्स टाइप्स। तो आप सिर्फ टाइप डिफाइन करोगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में कमेंट नहीं करोगे। अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाता है, सवाल जो है अगर स्ट्रक्चर के हवाले से आता है तो फिर आप वहाँ पे भले से बताते रहें, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, चले मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोले बेटा। मैं
इतना लाउड कह रहा हूँ कि अड़ोस पड़ोस के लोग फ्री में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अगर इससे ज्यादा मैंने लाउड बोला तो फिर मैं चीख रहा हूँगा, ना आपको कुछ समझ में आएगा और फिर मोहल्ले वाले भी सर पे खड़े हो जाएंगे। क्या सबको मेरी आवाज स्लो आ रही है? तो अब जिनको जो है बेटा आवाज स्लो आ रही है ना, तो फिर वो यही करें कि आप लोग जो है हैंड फ्री ले लें एक अच्छी वाली, और उस हैंड फ्री को जो है आप लगा के जो है उससे आप सुने तो बहुत अच्छा, मतलब उससे जो है आपका इम्प्रेशन बन जाता है। देखो अगर वॉइस कट रही है ना, तो क्योंकि जाहिर सी बात है ये इवनिंग का टाइम है, नेट सर्विंग इसमें बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो ये उस वजह से हो सकता है। तो अगर आवाज़ कट रही है तो मेरे लाउड बोलने से थोड़ी कंटिन्यूएशन में आ जाएगी। ठीक है, आप लोग जो है अपना इंटरनेट कनेक्शन ज़रूर चेक करें, अगर इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो जाहिर सी बात है हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके फैमिली के अंदर कोई दूसरे लोग भी इस वक्त आप इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उनसे आप रिक्वेस्ट कर लें कि भाई जब तक क्लास चलती है वो अपनी डिवाइस से जो है ऑफ हो जाए, ताकि आपको जो है अच्छी स्पीड मिल सके। मतलब बात टाइम ऐसा होता है कि एट अ टाइम मल्टीपल लोग मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं तो फिर उसमें भी इश्यू होते हैं। ठीक है, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बेटा आप लोग ने लिख लिया है तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की हेडिंग डाल लें। ठीक है, हेडिंग डाल लें आप लोग जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की, और हेडिंग डाल लें तो मुझे रिस्पांस दे दें जरा चैट बॉक्स में, ताकि फिर मैं आगे आपको लिखवा सकूं। चलो भाई, अब जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या होंगे? ये वो नेफ्रॉन्स हैं जो कि कहाँ मौजूद होते हैं, होते तो कॉर्टेक्स में, लेकिन इनका लूप ऑफ हेनले कहाँ तक जा रहा होता है? मेडुला तक जा रहा होता है। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि भाई इनका लूप ऑफ हेनले क्या है, काफी लंबा है, मेडुला तक इनका जो है लूप ऑफ हेनले आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप क्या नाम दे रहे हैं? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का नाम दे रहे हैं। क्लियर है बेटा? चलो अब जरा इसकी डेफिनेशन लिख लो। All those nephrons whose loop of Henle, all those nephrons whose loop of Henle all those nephrons whose loop of Henle present deeply into medulla, whose loop of Henle present deeply into medulla, present deeply into medulla, present deeply into medulla, are called as juxtamedullary nephrons. Are called as juxtamedullary nephron. ये juxta की मीनिंग क्या है? देखो, juxta का मतलब होता है डीप जाना या फिर जो है पेनिट्रेट कर जाना। अब ये किस में पेनिट्रेट कर रहे हैं? ये पेनिट्रेट कर रहे हैं मेडुला के अंदर, तो इनको हमने क्या कह दिया? juxta मेडुलरी नेफ्रॉन का नाम दे दिया। ठीक है बेटा, चलो ये लिख लिया है सबने। चलो अब मुझे ये बताओ कि दोनों के कॉर्टिकल नेफ्रॉन की अगर मैं बात करता हूँ या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की मैं बात करता हूँ, तो दोनों के फंक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा इससे? लूप ऑफ हेनले लंबा होने और लूप ऑफ हेनले छोटा होने से क्या फर्क पड़ेगा? सोचो और मुझे बताओ। चलो मैं तुम लोग के लिए एक स्लाइड देखता हूँ, एक मिनट एक स्लाइड देखता हूँ मैं। चलो ये स्लाइड जो है आप जरा देखें, लूप ऑफ हेनले को जरा फोकस करें इस स्लाइड में, और मुझे बताएं कि भाई आपके ख्याल में लूप ऑफ हेनले लंबा होने से
या लूप ऑफ हेनले छोटा होने से क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, आपने यहाँ पे जो है फोकस करना है किसको, लूप ऑफ हेनले को फोकस करना है सबने। ठीक है, ये जो लूप ऑफ हेनले है, ये लूप ऑफ हेनले आपने फोकस करना है, और फोकस करके मुझे बताएं कि भाई लूप ऑफ हेनले लंबा होने से या लूप ऑफ हेनले छोटा होने से क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? ठीक है, चलो शाबाश, आसमान ने जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, बाकी सब लोग भी दें। बाकी सब लोग भी दें भाई पॉइंट ऑफ व्यू, शाबाश, जो भी जहन में आ रहा है बोल दें, जरूरी नहीं है कि सही हो। ठीक है, जो आपके जहन में बात आ रही है आप कह सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। चलो और लोग भी सोचे भाई। देखो सबसे पहले तो सवाल ये करना चाहिए आपको कि सर लूप ऑफ हेनले करता क्या है। ठीक है, लूप ऑफ हेनले करता क्या है, तो लूप ऑफ हेनले का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है वाटर को री एब्सॉर्ब करना। ठीक है, अब जाहिर सी बात है भाई, जब लूप ऑफ हेनले लंबा होगा तो वाटर री एब्सॉर्ब ज्यादा होगा, और अगर लूप ऑफ हेनले छोटा होगा तो वाटर री एब्सॉर्ब कम होगा। ये बात आती है आपको समझ में या नहीं आती, ये बता दो भाई पहले कि भाई अगर लूप ऑफ हेनले लंबा होगा तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी, और अगर लूप ऑफ हेनले छोटा होगा तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन कम होगी। क्यों? क्योंकि भाई लूप ऑफ हेनले का तो काम ही यही है, वाटर को रीएब्जॉर्ब करना। अब जाहिर सी बात है कि जब हम जो है उसमें देखेंगे वाटर रीएब्जॉर्प्शन जो है ज्यादा होगी तो लूप ऑफ हेनले आपको लंबा चाहिए होगा, और जहां पे वाटर रीएब्जॉर्प्शन कम करनी है तो वहां पे लूप ऑफ हेनले कैसा होगा, छोटा होगा। अब जरा याद करो ऑस्मो रेगुलेशन, हमने ये कहा था कि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं जो आपके फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं उनके पास वाटर सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, तो उनको वाटर लॉस करना है या उनको वाटर स्टोर करना होगा, बताओ भाई जरा, पुरानी बात है ये आपको आनी चाहिए, उनको वाटर लॉस करना है। अब मुझे बताओ कि जब वाटर लॉस करना है तो किडनी को, ठीक है, हाँ बिल्कुल, वाटर लॉस करना है, अगला जुमला जरा तवज्जो से सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि जब वाटर लॉस करना है तो किडनी को क्या करना होगा, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन बढ़ानी होगी या वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कम करनी होगी, सोच के बताना। अगर वाटर लॉस करना है तो किडनी को वाटर रीएब्जॉर्प्शन बढ़ानी होगी या कम करनी होगी? चले शाबाश, ठीक है, सबने सही बताया कि भाई कम करनी होगी। क्यों? री एब्जॉर्प्शन मतलब आप यूरिन से वाटर को री एब्जॉर्ब कर रहे हो, कब करोगे ऐसा, जब वाटर सप्लाई हमें लिमिटेड हो। अब जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है भाई उसके पास तो बहुत सारा पानी है, जब उसके पास बहुत सारा पानी है तो उसको री एब्जॉर्प्शन क्या करनी है, कम करनी है। जब री एब्जॉर्प्शन कम करनी है तो क्या करना पड़ेगा, लूप ऑफ हेनले छोटा रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि जितने भी इक्वेटिक एनिमल हैं उनकी किडनी में कौन से नेफ्रॉन ज्यादा होंगे, कॉर्टिकल या जस्टामेडुलरी, सोच के बताना कि भाई जितने भी आपके इक्वेटिक एनिमल्स हैं तो उनके अंदर कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि उनको वाटर रीअब्सॉर्प्शन कम करनी है, वो लोग वाटर ज्यादा लॉस करते हैं क्योंकि उनके पास सप्लाई भी ज्यादा है, तो उनकी किडनी को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादा मिलेंगे। चलो अब एक ऐसा एनिमल है जो टेरिस्ट्रियल हैबिटेट पर रहता है, और रह भी कहाँ पर है, डेजर्ट में। अब वहां पे वाटर सप्लाई क्या है, बहुत कम है, तो उसको वाटर क्या करना है, संभाल के रखना है, उसको वाटर क्या करना होगा, स्टोर करना होगा। अब बताओ किडनी के ऊपर क्या टास्क आएगा, कि रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाए या रीएब्जॉर्प्शन कम कर दें। डेजर्ट में रह रहा है एक एनिमल, तो भाई रीएब्जॉर्प्शन क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा करनी पड़ेगी। अब जब रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा करनी है, अभी आपने बताया कि भाई लूप ऑफ हेनले क्या होना चाहिए,
लंबा होना चाहिए, तो लूप ऑफ हेनले जितना लंबा होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, रीअब्सॉर्प्शन होगी। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी टेरिस्ट्रियल एनिमल हैं या वो एनिमल जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं, आप उनकी किडनी के अंदर देखें तो कौन से नेफ्रॉन ज्यादा होंगे, कॉर्टिकल ज्यादा होंगे या जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ज्यादा होंगे? शाबाश, तो उनके अंदर जो है जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ज्यादा होंगे। आगे ये बात आप लोग के समझ में? चलो अब जरा जो है ये आप हेडिंग डालें, एडॉप्टेशंस ऑफ किडनी। ठीक है बेटा, ये स्ट्रक्चर से हट के ये आपकी नॉलेज के लिए है, ये आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पे आपसे पूछ सकते हैं। तो नीचे आप हेडिंग डालना है एडॉप्टेशन ऑफ किडनी अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, एडॉप्टेशन ऑफ किडनी अकॉर्डिंग टू हैबिटेट। ठीक है, एडॉप्टेशन ऑफ किडनी अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, अगर ये हेडिंग डाल लें आप तो मुझे रिस्पांस दे दें भाई चैट बॉक्स में, फिर मैं आपको पॉइंट्स में लिखवाऊंगा। चलो भाई अब लिखना शुरू करें पॉइंट्स में। एनिमल्स फाउंड लिविंग इन एक्वेटिक हैबिटेट, एनिमल्स फाउंड लिविंग इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, एनिमल्स फाउंड लिविंग इन एक्वेटिक हैबिटेट, एनिमल फाउंड लिविंग इन एक्वेटिक हैबिटेट हैज मोर कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एनिमल्स फाउंड लिविंग इन एक्वेटिक हैबिटेट हैज मोर कॉर्टिकल नेफ्रॉन, हैज मोर कॉर्टिकल नेफ्रॉन, has more cortical nephron as compared to has more cortical nephron as compared to others, has more cortical nephron as compared to others because because of low reabsorption rate of water, because of low reabsorption rate of water, because of low reabsorption rate of water, because of low reabsorption rate of water. आप डन है यहां तक? चले अब जरा जो है वो सेकंड पॉइंट लिखें, एनिमल फाउंड लिविंग, एनिमल्स फाउंड लिविंग, एनिमल्स फाउंड लिविंग एट टेरिस्ट्रियल हैबिटेट, एनिमल्स फाउंड लिविंग एट टेरिस्ट्रियल हैबिटेट, animals found living at terrestrial habitat animals found living at terrestrial habitat
हैज मोर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, हैज मोर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बिकॉज, हैज मोर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बिकॉज, रीएब्जॉर्प्शन रेट ऑफ वाटर बिकॉज, रीएब्जॉर्प्शन रेट ऑफ वाटर बिकॉज, रीएब्जॉर्प्शन रेट ऑफ वाटर इन किडनीज इज वेरी हाई, बिकॉज रीएब्जॉर्प्शन रेट ऑफ वाटर इन किडनीज इज वेरी हाई, बिकॉज रीएब्जॉर्प्शन रेट ऑफ वाटर इन किडनीज इज वेरी हाई। बिकॉज रीएब्जॉर्प्शन रेट ऑफ वाटर इन किडनीज इज वेरी हाई। चलो भाई, यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला है तो भाई वो पूछ सकता है और डिस्कस कर सकता है। चलो भाई ठीक है, अभी देखें थोड़ी देर में जो है हमारा कांटेक्ट जो है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग ने परेशान नहीं होना है, आप लोग जो है दोबारा इसको ज्वाइन करेंगे। और आपको पता ही है कैसे ज्वाइन करेंगे, जो लिंक आपको सेंड किया गया था उस लिंक से आप लोग दोबारा कनेक्ट होंगे और फिर हम अपना आगे का लेक्चर फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है बेटा, तो परेशान मत होइएगा, जब अगर डिसकनेक्ट होता है हमारा कॉन्टैक्ट तो आप उसको दोबारा जो है कनेक्ट करेंगे, जो लिंक आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेजा गया था। ठीक है, आप उससे दोबारा कनेक्ट होंगे और फिर जो है वो हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलो बेटा आप लोग जल्द से जल्द जो है वो कनेक्ट हो जाएं। और अगर आप लोग मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो मुझे रिस्पॉन्स दे दें। चले बेटा ठीक है, तो हमने जो है एडॉप्टेशन ऑफ किडनी अकॉर्डिंग टू हैबिटेट जो है वो डील कर लिया है। अब जरा आप लोग हेडिंग डालने हैं रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी, और ये दूसरे नाम से भी आपके पास आ सकता है, स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के नाम से भी आ सकता है। तो ये किसी भी नाम से आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसके ऊपर यूजुअली के हाउ विल यू डिस्क्राइब दी रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी या डिस्क्राइब दी स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो फटाफट जो है ये आप हेडिंग डाल लें और उसके बाद जो है मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, वो स्टेटमेंट आप लिखेंगे। तो आप हेडिंग डाल लें तो मुझे रिस्पॉन्स दे दीजिएगा ताकि फिर मैं आगे प्रोसीड करूँ। ठीक है, हेडिंग डाल लें तो आप मुझे रिस्पॉन्स दे दें ताकि फिर मैं आगे प्रोसीड कर सकूँ। ठीक है बेटा, जो हेडिंग आपके स्क्रीन पर आ रही है वही हेडिंग आपने डालनी है।
रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी, और ब्रैकेट में आप डालेंगे स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। चले बेटा, अगर आप लोग ने हेडिंग डाल दिया तो फिर मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, वो स्टेटमेंट आप लोग लिखें। द रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी, द रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी आर परफॉर्म, द रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी आर परफॉर्म, the regulatory functions of kidney are performed in following steps, the regulatory functions of kidney are performed in following steps। ठीक है, अब देखें ये चार स्टेप्स के नाम लिखे हुए हैं, फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड काउंटर करंट मैकेनिज्म। और फिर काउंटर करंट मैकेनिज्म की भी दो वैरायटीज हैं, ठीक है, काउंटर करंट एक्सचेंज है और काउंटर करंट मल्टीप्लायर है। ठीक है बेटा, तो ये आप लिख लें चारों। अब देखें इसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी जो आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा। अब जैसे हम फिल्ट्रेशन की बात कर लें तो फिल्ट्रेशन का नाम आपने सुना होगा, और अगर हम जो है रीअब्सॉर्प्शन की बात कर लें तो आपने रीअब्सॉर्प्शन का भी नाम सुना होगा। ट्यूबुलर सिक्रीशन शायद आपके लिए नया हो, और काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म ये तो खैर आपके लिए नया ही है। तो ये चारों भाई जो है हेडिंग डाल लें, मतलब जो है चारों आप जो है पॉइंट लिख लें, जो अभी मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाया था कि द रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी आर कंप्लीटेड इन फॉलोइंग स्टेप्स, और ये चारों स्टेप्स के नाम आप बिल्कुल इसी तरह लिख लें जैसे आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। ठीक है, ये करने के बाद आप फिल्ट्रेशन की हेडिंग डाल लें और फिर सुकून से बैठ जाओ, मेरी बात को गौर से सुने। फॉलोइंग स्टेप्स आपने लिख लिया ना, आपको जो स्टेटमेंट मैंने लिखवाया है कि द रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी आर कंप्लीटेड इन फॉलोइंग स्टेप्स, ये स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाया है। तो फॉलोइंग स्टेप्स के बाद ये जो 1, 2, 3, 4 करके जो स्टेप्स लिखे हुए हैं ये स्टेप्स आप लिख लें, और फिर मैंने ये कहा कि फिल्ट्रेशन की हेडिंग डाल लें। चलो भाई, अब आप लोग ने जो है वो फिल्ट्रेशन की हेडिंग डाल दी है। तो अब देखें, हम पहले अपने माइंड के अंदर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं फिल्ट्रेशन के हवाले से वो डिस्कस कर लेते हैं। बहुत दफा आपने नाम सुना होगा फिल्ट्रेशन का। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हाउ विल यू डिफाइन फिल्ट्रेशन, तो आप फिल्ट्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? फिल्ट्रेशन क्या है? व्हाट इज फिल्ट्रेशन?
रिमूविंग इम्प्योरिटी, ठीक है, एक प्रोसेस है सेपरेशन ऑफ अनवांटेड मटेरियल, ठीक है। चल और लोग भी बताएं भाई, इम्प्योरिटीज को निकालना, सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज, और बताएं भाई। चले, एक प्रोसेस जिसमें से हम इम्प्योरिटीज को सेपरेट आउट करें, ठीक है, और बताएं। ठीक है, अगर देखें हम फिल्ट्रेशन को जनरली डिफाइन करना चाहें ना, तो फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन क्या है? एक प्रोसेस ऑफ सेपरेशन है, इसमें हम चीजों को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। अब जरूरी नहीं है उसमें हम अनवांटेड मटेरियल सेपरेट कर रहे हो, और ना ही ये भी जरूरी नहीं है कि हम इम्प्योरिटीज सेपरेट कर रहे हो, अगर हम चीजों को उसमें से सेपरेट कर रहे हैं। अब वो चाहे कुछ भी सेपरेट हो रहा हो, चाहे वो अनडिजोल्व पार्टिकल सेपरेट हो रहा हो, चाहे वो इम्प्योरिटीज सेपरेट हो रही हो, चाहे वो कह लें कि अनवांटेड मटेरियल जो है वो सेपरेट हो रहा हो, वो फिल्ट्रेशन कहलाएगा। तो जहां पे भी सेपरेशन हो रही होती है ना, वो फिल्ट्रेशन कहलाती है। कहते नहीं भाई आप क्या कर लें, फिल्टर कर लें। तो फिल्टर का मतलब क्या है, आप सेपरेट कर लें, किस चीज को सेपरेट कर लें, अब जो आपके पास अवेलेबल है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के स्टूडेंट आ गए, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ यार स्टूडेंट फिल्टर कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप भाई फर्स्ट ईयर वालों को अलग कर लो और सेकेंड ईयर वालों को अलग कर लो। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि इनमें से कोई एक अनवांटेड होगा, या इनमें से कोई एक बेकार होगा, या इनमें से कोई एक इम्प्योरिटी होगा, ऐसी बात नहीं है। फिल्ट्रेशन का मतलब ही क्या होता है, सेपरेट करना। क्लियर है बात? चले अब जरा हम आते हैं टॉपिक के ऊपर कि भाई यहाँ पे किडनी काम कैसे करती है। एक बात याद रखिएगा, किडनी दरअसल खुद कुछ नहीं है, किडनी के जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो हमने कल पढ़ा है, वो क्या है, वो नेफ्रॉन है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन, तो वो नेफ्रॉन है, ठीक है। तो अगर मैं नेफ्रॉन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो नेफ्रॉन में सबसे पहले फिल्ट्रेशन स्टार्ट कैसे होती है। अब देखिए आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको क्या दिखाया गया है, नेफ्रॉन का एक पार्ट दिखाया गया है, और कौन सा पार्ट दिखाया गया है, रीनल कार्पसल दिखाई गई है, ठीक है। कल आपको बताया था ना, रीनल कार्पसल में दो चीजें होती हैं, क्या दो चीजें होती हैं, एक ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। ये जो ग्लोमेरुलस है ये आप कैपिलरीज का बंच देख रहे हैं, आप एरो को फॉलो करें तो ये जो कैपिलरीज का आप बंच देख रहे हो ये क्या है, ग्लोमेरुलस है। इस ग्लोमेरुलस को किसने सराउंड किया हुआ है, इस ग्लोमेरुलस को सराउंड किया हुआ है एक कप शेप कैप्सूल है, एंड दिस कैप्सूल इज कॉल्ड एज गुमेल कैप्सूल, ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलस है और ये क्या है, ये कैप्सूल है। अब ये गुमेल कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलके क्या बनाते हैं, ये मिलके बनाते हैं रीनल कार्पसल। तो ये मिलके जो है रीनल कार्पसल बना रहे होते हैं, ठीक है बेटा। अब होगा क्या, ये कैपलरीज है ना, ग्लोमेरुलस क्या है, कैपलरीज है। अब देखें आप याद करें, फर्स्ट ईयर के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी डिफरेंट डिवीजन, ठीक है। सबसे पहले जो है वो क्या था कि भाई आर्टरी थी, आर्टरी जब जो है आगे आती है टिश्यू के करीब तो वो डिवाइड होती है, छोटी छोटी ब्रांचेस देती है, कहलाते हैं आर्टेरियोल। फिर आगे कैपलरीज होती हैं, फिर आगे वेन्यूज होते हैं, फिर वेन्यूज कंबाइन करके क्या बनाते हैं, वेन बनाते हैं। ये आपने नाम सुने, नाम आप लोग को सुने सुने लग रहे होंगे, है भाई, सुना है या नहीं सुना है? ये नाम आपने सुने हुए हैं या नहीं सुने हुए हैं, मुझे बताएं। सुने हुए ना ये नाम आपने, कि भाई आपने आर्टरी था, आर्टरी डिवाइड हुई आर्टरियोल में। तो बिल्कुल इसी तरह कि भाई जब ये ग्लोमेरुलस कैपिलरी है तो इससे पहले क्या होगा, आर्टेरियोल होगा, और ये किसका आर्टेरियोल है, ये रीनल आर्टरी का आर्टेरियोल है, ठीक है। ये किसका आर्टेरियोल है, ये रीनल आर्टरी का आर्टेरियोल है। अब होगा ये कि आर्टरी जो है वो डिवाइड करी किसके अंदर, आर्टेरियोल। अब देखो एक वो आर्टेरियोल है जो कि ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड लेके आ रहा है, ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड लेके आ रहा है।
अब ग्लोमेरुलस के अंदर ये जो ब्लड आ रहा है, लेके आ रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, एफेरेंट आर्टरी। और जो ग्लोमेरुलस से ब्लड को लेके जा रहा है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एफेरेंट आर्टरी। आ रही बात समझ में? तो ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड लेके आ रहा है उसको आप क्या कहते हैं, एफेरेंट आर्टरी। और ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड लेके जा रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, इफेरेंट आर्टरी। तो ये हो गया एफेरेंट एंड दिस वन इज इफेरेंट आर्टरी। तो ये एफेरेंट आर्टरियोल है और ये क्या है, इफेरेंट आर्टरियोल है। एफेरेंट को हमने कैसे डिफाइन किया कि ये वो आर्टरियोल है जो कि ग्लोमेरुलस में ब्लड लेके आ रहा है, और जो ग्लोमेरुलस से ब्लड लेके जा रहा है वो क्या कहला रहा है, वो इफेरेंट आर्टरियोल कहला रहा है। अब देखिए, एफेरेंट आर्टरियोल जो है ना, इसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, और जो इफेरेंट आर्टरियोल है इसका डायमीटर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये आपको पिक्चर में इतना वाजे नहीं हो रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा जो डायमीटर होता है ना, जो एफेरेंट आर्टरियोल है इसका डायमीटर ज्यादा होगा, इफेरेंट आर्टरियोल का डायमीटर कम होगा। जब ये चौड़ा है इसका डायमीटर ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि एफेरेंट आर्टरियोल से ब्लड आपका ज्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ब्लड आ रहा होगा वो ब्लड क्या होगा, वो ब्लड ज्यादा होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो ब्लड होगा वो ज्यादा होगा, और जो आपका इफेरेंट आर्टरियोल है यहाँ से ब्लड कम निकल रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसका डायमीटर कम है, इसका डायमीटर ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड आ ज्यादा रहे और जा कम रहे। नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा ये जो ग्लोमेरुलस है ना, यहाँ ब्लड जमा होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप देखो, यहाँ ब्लड जमा होना शुरू हो जाएगा। जब यहाँ ब्लड जमा होना शुरू होगा तो यहाँ पे क्या प्रेशर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, सोच के बताओ कि ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, ये सोच के बताना है आपने। ठीक है, बढ़ जाएगा। अब जब प्रेशर बढ़ेगा तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि कुछ मटेरियल ग्लोमेरुलस से निकल के वुमेन्स कैप्सूल के अंदर एब्सॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। ग्लोमेरुलस से सेपरेट आउट होके कहाँ आ जाएगा, वुमेन्स कैप्सूल के अंदर। एंड दिस स्टेप वेयर द सेपरेशन ऑफ द मटेरियल अकर फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन। प्रोसेस को आप क्या नाम दे रहे हैं, फिल्ट्रेशन का नाम दे रहे हैं। और जो मटेरियल निकल के आया है ना बेटा, उसको हम क्या नाम देंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम देंगे। दिस मटेरियल वुड बी कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। आई बात समझ में ये आपके या नहीं आई, ये बता दो मुझे कि भाई एफेरेंट आर्टरियोल से ब्लड ज्यादा आया, इफेरेंट आर्टरियोल से ब्लड कम जा रहा है। नतीजा ये निकलेगा ग्लोमेरुलस में ब्लड स्टेसिस हो जाएगी, ब्लड जो है वो जम जाएगा। जब ब्लड जम जाएगा तो कैपिलरीज का प्रेशर बढ़ जाएगा, कैपिलरीज का प्रेशर बढ़ने की वजह से कुछ फ्लूइड होगा जो कि लीक करके कहाँ आ जाएगा, ग्लोमेरुलस से वुमेन कैप्सूल में आ जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन, एंड द फ्लूइड दैट हैज बीन लीक फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। उस फ्लूइड को आप क्या नाम देंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम देंगे कि भाई ग्लोमेरुलस से ये फिल्टर हो क्या है, तो उसको आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम दोगे। क्लियर है बात? चलें अब जरा फिल्ट्रेशन के अंदर आप लोग लिखना शुरू करें, ठीक है। फिल्ट्रेशन के अंदर आप लोग लिखना शुरू करें, द प्रोसेस इन विच अ फिल्ट्रेट हैज बीन लीक्ड फ्रॉम ग्लोमेरुलस, द प्रोसेस इन विच अ फिल्ट्रेट हैज बीन लीक्ड फ्रॉम ग्लोमेरुलस
has been leaked from glomerulus into Bowman's capsule is called as filtration. Is called as filtration. Next point, likhein. The filtrate would be called as glomerular filtrate. The filtrate would be called as glomerular filtrate. डेफिनेशन बेटा मैंने लिखवाई है, द प्रोसेस इन विच फ्लूइड हैज बीन लीक्ड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इनटू बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन. एफेरेंट आर्टेरियल ब्लड लेके कहाँ जाएगी? एफेरेंट आर्टेरियल ब्लड लेके जाएगी आपका आगे जाके वेन्यूल्स में, और फिर वेन्यूल से रीनल वेन के जरिए जाएगा और फिर हार्ट में चला जाएगा. ये मैं आपको दिखाऊंगा, आगे पिक्चर है कि किस तरह से वेस्कुलर सप्लाई होती है नेफ्रॉन की. ठीक है बेटा, लास्ट पॉइंट लिखो. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंप्राइज ऑफ वाटर, nutrients like protein, carbohydrates, amino acids like protein, carbohydrate, amino acids. Fatty acids, nitrogenous waste, etc. चलो बेटा ठीक है, ये फिल्ट्रेशन पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है. अब जो दूसरा स्टेप है रीअब्सॉर्प्शन है, और फिर आगे सिक्रेशन, और फिर दूसरे जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको अपने अगले लेक्चर में करवाऊंगा. आज के लेक्चर में यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ. आज के लेक्चर के हवाले से अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं या कोई बात आपको परेशान कर रही हो तो आप पूछ सकते हैं. क्लियर है सब? चले तो इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा.